इसलिए बनी है क्योंकि हमारे समाज में इतना अवेयरनेस नहीं है पैड को लेके, तो जो लोग कपड़े यूज़ करते थे वो अब सैनिटरी नैपकिन यूज़ करेंगे। मैं ये रेडियो मिर्ची की तरफ से पैडमैन मूवी देखने आई हूँ एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे समाज में इस चीज़ को लेकर, पीरियड्स को लेकर ये जो टैबू बना हुआ है, लोग बात नहीं करते हैं, लड़कियाँ खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पाती हैं, तो उस टैबू को बहुत अच्छे से इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि उस टैबू को तोड़ें और खुलकर एक इस मुद्दे पर बात की जाए ताकि अब जो शर्म का एक बंधन है वो टूट जाए। तो इस इनिशिएटिव में मैं रेडियो मिर्ची की खास तारीफ करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छी पहल है जो प्रॉब्लम है लड़कियों की उसको खुलकर बाहर लाने के। जी बिल्कुल, मूवी देखना चाहिए। मूवी से ऑब्वियसली जब से मूवी का ट्रेलर आया है तब से ही ये बहुत जो स्टीरियोटाइप था कि लोग इन 5 दिनों में खुलकर बात नहीं करते थे, तो अभी वो बहुत कल्चर चेंज हो रहा है, अब लोग खुलकर बात कर रहे हैं इस मूवी की वजह से, इस मूवी के सब्जेक्ट की वजह से। अब लड़कियाँ खुलकर बता सकती हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरे साथ ये हो रहा है या चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा चेंज हुआ है और आगे भी चेंज होता रहेगा। हाँ, लोग बोल्ड नहीं थे पैड को लेके, पैड के बारे में बात करने को लेके, तो इस मूवी में ये दिखाया है कि एक मेल मेंबर भी इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकता है और अपनी वाइफ के लिए ये सारे काम कर सकता है। तो रेडियो मिर्ची का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी और स्पेशली आरजे त्रिशा का, उसके साथ हम लोग ने एक वीडियो भी बनाया था पीरियड से रिलेटेड और बनारस की लड़कियों ने बहुत सारे डिस्कशन, हम सब ने डिस्कशन किया था पीरियड से रिलेटेड। तो मैं आरजे त्रिशा का बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उसने हम लोग को उस वीडियो का पार्ट रखा। मुझे मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, जो हमारे समाज में लोग खुल के नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ औरतों तक सीमित रह जाता है, तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए सारा कुछ करता है, इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड इट्स वेरी बोल्ड, सबको देखना चाहिए आके, हम सब भी वो कॉन्सेप्ट इन्जॉय करें। जी, जिस तरीके से रेडियो ने बहुत अच्छे से लोगों को बताया है कि हम पैड का यूज़, जो बहुत लोगों को औरतों आज से शर्माती थी, इस बारे में बात नहीं करती, जब खुल के जो उसके बारे में मूवी बन रही है तो बहुत बड़े तबके में ये चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए मैं थैंक यू कहूँगी हम की त्रिशा का, जो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली मूवी देखने की। उसके ससुर जी खाना खा रहे हैं, सबके सामने देने वाला तोहफा है क्या ये? लग रहा था मर जाओ तो अच्छा है। मैं सबके सामने थोड़ी देना चाहता था, जी का रुमाल, मामा जी का रुमाल तो मैं क्या करता, बल्कि तुम्हें समझाना चाहिए ना, बच्चा है वो। भगवान के लिए मेरे घर बताओ वरना मुझे वापस भेज देंगे। जब से इसकी शादी हुई है बदल गया है, शर्म आती है मुझे, शर्म शर्म शर्म, मत निकलो शर्म के इस कुएं से, शर्म को पकड़ के बीमारी के नाले में गिर जाओ सब। मैं अमान, अमान रिजवी, प्रोग्रामिंग हेड रेडियो मिर्ची वाराणसी। किस तरह की भीड़ लगा है क्या? आज हम लोगों ने पैडमैन मिर्ची मूवी नाइट ऑर्गेनाइज किया है, पिछले एक्चुअली 15 दिन से हम लोग रेडियो पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस पीरियड को लेकर के, जो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, जो बहुत सारी जो टैबूज जो बने हुए हैं उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक कैंपेन किया था जिसका नाम था द पीरियड स्टोरी, और इस वैलेंटाइन डे हम लोगों को लव स्टोरीज ना सुना करके पीरियड स्टोरी सुना रहे थे, जिसमें अपने पीरियड को लेकर के लोग खुल के बातें कर रहे हैं, तो आज उसी को हम लोग एक तरह से रैपअप कर रहे हैं। मिर्ची मूवी नाइट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें बना, जो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए, तकरीबन 300 औरतें हैं जो भी इस वक्त थिएटर में पैडमैन एंजॉय कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोगों का मकसद ये था कि लोग इससे अवेयर हों, बहुत सारी गलत फहमियों से दूर रहें और इस फिल्म को देखने के बाद अपने घर में जाके बच्चों को एजुकेट करें कि ये भी एक चीज़ होती है जो नेचुरल है।